समोसा, समोसा में ऐसा वाला व्यू दिखता है। पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। साल जो मेरी होली सेलिब्रेट हुई और एंजॉय किया। Hey guys, good morning, welcome and welcome back to my another video. I am Monica and you are watching Rohit Monica Vlog. So guys, अभी हो रहा था शाम का टाइम और चाय पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था क्योंकि कल से घर से निकले ना वो फ्लाइट वाली जो चाय पी बस वही चाय पी, उसके बाद चाय ही नहीं पी है, मतलब प्रॉपर इंडियन वाली तो चाय पी ही नहीं है। बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को अभी, तो मैंने चाय ऑर्डर की और ये चाय देखो तो चाय आ गई है। अब शायद ये चाय पी के मेरे को थोड़ा बेटर फील होगा। और गाइस चाय के साथ आया समोसा, समोसा मेरे को 100 बात का पड़ा और उसके साथ चाय। चाय और समोसा खाने का एक अलग ही मजा है। चलो चाय पीते हैं सबसे। तो यस, मैंने चाय तो पी ली। इतनी लंबी जर्नी के बाद एक अच्छी सी मतलब देसी चाय मिल जाए अदरक वाली तो बहुत मजा आ जाता है। ये चाय लवर्स ही समझ सकते हैं क्योंकि एक चाय पीने से ना पूरी थकान उतर जाती है। समोसा के बदले अगर वड़ा पाव मिल गया होता तो दिन ही बन जाता, बट इट्स ओके। तो यस, एनीवेज इसके बाद मैं गई थी रूम पे रेस्ट करने, फ्रेश होने, उसके बाद मैं तुरंत निकली क्लब जाने के लिए क्योंकि पता है हमें आए हैं और क्लब ना जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं अब जा रही हूँ क्लब में, तो देखो क्लब कैसा है। गाइज इस साल जो मेरी होली सेलिब्रेट हुई वो है पता है हमें, मतलब इस साल मैंने थाईलैंड में होली सेलिब्रेट की है। मैं बहुत ज्यादा कलर से बच रही थी बट फिर भी मेरे को यहाँ पे कलर लग ही गया कैसे ना कैसे करके। हाँ, जब तक कि आपने ये व्लॉग देखा तब तक के बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। ये व्लॉग जो था ये मैंने शूट किया था होली के टाइम पे, मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी तो मैं उसको एडिट करके इसमें डाल नहीं पाई, सॉरी फॉर इट। तो ऐसा है कि यहाँ पे भी होली सेलिब्रेट की जाती है। मैंने इंडियन वाली होली सेलिब्रेट की थी, इनकी जो होली होती है वो उसको बोलते हैं संक्रांत फेस्टिवल, जो कि बहुत लेट होता है। आई थिंक अभी रिसेंटली गया है बट मेरे को याद नहीं अभी डेट एक्जैक्टली। यहाँ पे ऐसा है कि इंडियंस काफी सारे हैं इसलिए यहाँ पे होली मनाई जाती है, और सिर्फ इंडियंस होली नहीं मनाते, यहाँ के थाईज भी मनाते हैं और अदर कंट्रीज के भी जो भी टूरिस्ट है ये सारे लोग मिलकर होली मनाते हैं। तो मैं जैसे ही क्लब में पहुंची वैसे यहाँ पे काफी लोग मुझे पहचानते तो उन लोगों ने तुरंत मेरे को कलर से रंगना चालू कर दिया, बट मैं काफी बचने की कोशिश कर रही थी, फिर भी थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है ऐसे ना वैसे करके। होली सेलिब्रेट की बहुत मजा आया। अब लगी थी भूख, मैं क्लब से निकल के सीधा गई इंडियन रेस्टोरेंट, एक मस्त गुजराती रेस्टोरेंट मिल गया था, मैं वहां पे चली गई थी खाना खाने के। अभी ना वापस से चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने चाय मंगवाई। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा वाला व्यू दिखता है, और सामने वाला जो टावर है वो यूनिक्स टावर है जो यहाँ का बहुत फेमस टावर है, और यहाँ की स्ट्रीट्स रात को कुछ इस तरीके की दिखती है, जो आप लोग रात के टाइम पे आप लोग मतलब जो जहाँ पे माइंस रिसोर्ट वाला एरिया वो थोड़ा कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब ऐसा लगता है बहुत शांत है बट इट्स वेरी सेफ। यहाँ पे कोई छेड़खानी वगैरह कुछ नहीं होता। फिर मैंने रूम पे बैठे बैठे ये मैच देखा और मैच देखते देखते मैंने मैगी खाया और एंजॉय किया, बहुत मजा आया और इस तरीके से मेरा दिन कुछ खत्म होता।